दोस्तों नमस्कार, मेरी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और तेज़ हवा भी चल रही है। दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जो मौसम है किसी के लिए भी ऐसे लाभदायक नहीं लग रहा है, लेकिन जो प्याज के खेती करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल साबित हो सकती है। यदि इस ऐसी स्थिति में ओले पड़ जाते हैं तो प्याज की फसल बहुत ही नुकसानदायक होता है। देखिए और अभी बारिश और ज़्यादा बढ़ गई है और इस बारिश में मेरे बगिया का ये दृश्य देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे पौधों को थोड़ा सा और करीब से, देखते हैं बारिश में क्या स्थिति बनती है। दोस्तों आप देख सकते हैं जिनिया का जो पौधा है इसमें सुंदर पुष्प खिला हुआ है और बारिश हो रही है तो इसमें और भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ये हमारा पिटूनिया के पुष्प देखिए, ये जो है मुरझाए से हो गए हैं। ये हमारा बोगनविलिया और पीछे देख सकते हैं ये जो है ऑरेंज रंग का बोगनविलिया है और दूर आप देख सकते हैं पिंक कलर का भी मेरे पास उसके पौधे हैं। और ये है यूफोरबिया मिली, देखिए इसके सुंदर पुष्प बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और ये भी दो कलर में है मेरे पास, ये जो है आप देख सकते हैं लाल रंग का है, उसके छोटे छोटे कटिंग्स भी हैं यहाँ पर। और ये जो है ऑरेंज कलर का है। इसके बाद ये जेट प्लांट बहुत ही सुंदर दिख रहा है, क्रोटन का पौधा आप देख सकते हैं। और ये मेरे स्नेक प्लांट हैं जिसमें अब देखो फ्लावरिंग हो रही है, ये भी एक स्नेक प्लांट है इसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है। और ये देखिए ये बहुत ही सुंदर पत्ते वाले ये हमारे पाम ट्री हैं, इसके ये दूसरा पौधा भी यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कामनी का ये पौधा है, इसमें पुष्प खिल रहा है। ये मेरे सदाबहार के पौधे इसमें पुष्प खिल रहे हैं। और उधर देख सकते हैं आपको दिखाता हूँ पिटूनिया के, ये दूसरे कलर वाला है पिटूनिया, अभी जो है धीरे धीरे इसमें पुष्प कम होते जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप ये है डहेलिया, इसमें पुष्प आ रहा है, इसमें कई सारे पुष्प के आने वाले हैं। देखिए आप कलियाँ, कई सारी कलियाँ बनी हुई हैं और ये जो है बहुत ही अच्छे से विकसित हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ये गुलाब के पौधे ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए ये फुरबिया मिली के सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, इन पौधों को मैंने ज़मीन में लगा दिया है तो इनमें देखिए बहुत ही अच्छे से इनका विकास हुआ है। और इसमें जो है सारे पत्ते गिर गए थे, अब देखिए इसका विकास, देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं और कलियां बन रही हैं। इसके अलावा ये मेरे बोगनविलिया के पौधे हैं जिसको मैंने प्रूनिंग कर लिया हुआ है, आगे देखते हैं और इसकी भी प्रूनिंग की हुई है। ये और कुछ और पौधे हैं इनको भी प्रूनिंग किया हुआ है मैंने। और ये एक पौधा गिर गया है, ये मेरा जट्रोफा का पौधा है, ये आप देख सकते हैं इसमें सुंदर सुंदर ये पुष्प खिला हुआ है। ये इसका गमला गिर गया है क्योंकि तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, इसलिए ये जो है नीचे गिर गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं दोस्तों। ये मेरा पिंक कलर का देख सकते हैं बोगनविलिया, इसके शीर्ष भाग में इस तरह से बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं, इसीलिए जो है ये जो है इस तरह से झुक गया है। ये आप देख सकते हैं इसके जो शाखाएँ हैं झुक गई हैं। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश हो रही है।
ये मेरे चंपा के पौधे हैं, आप देख सकते हैं मेरे चंपा के कई सारे पौधे हैं और इसमें फ्लावरिंग हो रही है अभी, उसको नहीं, इसमें जो है कलियां बन रही है दोस्तों, उस पर नहीं खिले हैं। और ये देखिए ये कनेर के पुष्प खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। कनेर के पौधे जो हैं आसानी से कटिंग से उग जाते हैं, इसमें कलियां बन रही है, पुष्प खिल रहे हैं। इसके दो पौधे हैं मेरे पास, कई सारे कटिंग जो है दूसरे मेरे दोस्त भी ले चुके हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये साइकस का पौधा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इसकी हरी भरी पत्तियाँ, सदाबहार पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। और इसको तो आप देख सकते हैं अगावे का पौधा बहुत ही सुंदर दिखता है, आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती इनकी पत्तियों में होती है। आप इन पत्तियों वाले पौधों को लगा करके भी अपने बगिया को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और ये देखिए ये जरबेरा का पौधा, इसमें कली बन रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हमारे डहलिया के साथ में एक और पौधा लगाया हुआ है, उसमें भी ये कली बन रही है, यहाँ पर दो कली बन रही है एक साथ। ये जो है लाल रंग का मेरा जरबेरा का पौधा है। दोस्तों आप भी मेरी तरह अपनी बगिया की देखभाल करते रहिए, उनकी स्थिति से आप रूबरू होते रहिए और उन्हें करीब से देखिए, जानिए, समझिए, तभी हम जो हैं उनकी आवश्यकता को समझ पाएंगे और उनके लिए उचित पोषक तत्व वाले खाद, पानी और उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था कर पाएंगे। देख सकते हैं हमारे जो पौधे हैं वैसे अच्छे तो लग रहे हैं और पानी भी रुक गया है दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही गार्डनिंग करते रहें, आप सभी लोग खुश रहें। नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।